हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। तो आज हम बनाने वाले प्याज की सब्जी। तो बहुत ही सिंपल सब्जी है बट बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसको बनाने के लिए एक पैन या कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच तक ऑयल डाल के गर्म करने के लिए रख देना है। और चेक कर लीजिए ऑयल गर्म है या नहीं। जैसे ही गर्म हो जाए तो ये देखिए ऑयल गर्म हो गया है। और अब इसमें हम चुटकी भर हींग ऐड कर देंगे, साथ ही यहाँ थोड़े से जीरा ऐड कर देंगे और थोड़े से साबुत सौंफ ऐड कर देंगे। और ये तेज पत्ता ऐड करके इसको हल्का सा पका लेना है। और जैसे ये हल्का सा पक जाता है तो इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच तक धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, साथ ही यहाँ 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और ये पीसा लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। और इनको ऑयल में हल्का सा पका लेना है। तो यहाँ हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं जिससे कि मसाले जलेंगे नहीं और कढ़ाई में लगेंगे नहीं, अच्छे से पक जाएंगे। तो इस तरह से इसको पका लेना है। और जैसे ही मसाले हल्के पक जाएं ऑयल में तो यहाँ हम 1 चम्मच तक भुना हुआ बेसन ऐड कर देंगे। तो ये मैंने भुना हुआ बेसन लिया है, इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास भुना हुआ नहीं है तो आप थोड़ा सा पैन में डाल के बेसन को भून लीजिए। तो बेसन ऐड करने से ग्रेवी जो है वो हल्की थिक हो जाती है और इसका फ्लेवर भी चेंज नहीं होता है। तो इस तरह से हल्का सा पानी डाल के और तो बेसन को मसाले के साथ हल्का सा भून लेना है। और जैसे ये मसाले जो है अच्छे से भून जाएंगे तो यहाँ मैंने 3 से 4 प्याज इस तरह से बड़े साइज में कट की है, यानी कि एक प्याज की मैंने यहाँ 6 पीस इसको कट किया है। ये देखिए बिल्कुल बड़े साइज की है। और इस तरह से इसको मसाले के साथ हल्का सा डाल के भून लेना है। और जैसे यहाँ प्याज थोड़े से मसालों के साथ भून जाएगा तो इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। और इसको भी भूनने के बाद यहाँ कुछ हरी मिर्च इस तरह से कट करके ऐड कर देंगे। आप यहाँ खड़ी लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। और इनको अच्छे से भून लेना है, सिर्फ 30 सेकंड के लिए भूनेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए और इसको अच्छे से भून लीजिए। तो ये देखिए यहाँ ये सारी चीजें इस तरह से मिक्स कर लेना है, इस तरह से कंटिन्यू इसको चलाते रहना है जिससे कि जो मसाले हैं वो पैन में लगे नहीं। और अब इसमें मैंने ये 1 कप तक यानी 3 से 4 चम्मच तक यहाँ मलाई लिया, जो घर के दूध की मलाई होती है उसको आप इस तरह से निकाल के इसमें ऐड कर दीजिए। और ये 1 छोटा कप मैंने यहाँ दही ऐड कर दिया, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। और इसको मलाई के साथ और प्याज और ये सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। अगर आपको इसकी थोड़ी सी ग्रेवी और ज़्यादा रखना है तो आप यहाँ मसाले, बेसन की क्वांटिटी और मसालों की क्वांटिटी और साथ में मलाई की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। इसमें पानी बिल्कुल भी मत मिक्स कीजिएगा। अगर बिल्कुल इस तरह से अगर आप सब्जी तैयार करना चाहते हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखें। और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। इसको आप 5 मिनट के लिए ढक दीजिए जिससे कि इसका जो कलर है वो भी बहुत अच्छा आता है, साथ में इसके ऊपर चारों तरफ से ऑयल दिखने लगता है तो ये देखने में बहुत अच्छी लगती है, टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये देखिए 5 मिनट बाद आप चेक कर लीजिए। तो आप इसे किसी भी चीज़ के साथ सर्व करिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसमें लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे। ऊपर से हम ये कस्तूरी मेथी को हल्का सा हाथ से इस तरह से हल्का सा मसल के ऐड कर देंगे। और ये बारीक कटी हुई हरी धनिया से गार्निश कर दीजिए। और ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी रेडी है। तो आप इसको किसी भी चीज़ें रोटी पराठे या पूड़ी के साथ किसी भी चीज़ के साथ सर्व करिए, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो फिर मिलते हैं इसी तरह एक नए वीडियो के साथ। अगर आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड। तो इस तरह से सर्व करके आप गार्निश करिए इसको और टेस्ट करिए। थैंक यू।